यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, यहाँ से आगे मुझे जाना था पारवाल साइड को। यहाँ पे मैं पहुँच जाता ना एक बार तो मैं वहाँ से चले जाता। ये हाल हो रखे है रोड के, और मैं निकला हूँ ऑफ रोडिंग के लिए। ऐसे भयानक रोड पे ऑफ रोडिंग हो रही है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं ऑफ रोडिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड से। आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड है। ओह शिट, कीचड़। तो गाइस, व्यू भी यहाँ का बहुत अच्छा है। तो जिस तरीके का व्यू है यहाँ का देख लो आप। ओह भाई साहब, ये तो रोड ही बंद है यार। जिस बात का डर था वही हुआ। इस नाले का मुझे डर था, ये नाला सड़क को लेके चला गया है पूरा का पूरा। यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है, और ये हाल हो रखा है रोड का। यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, यहाँ से आगे मुझे जाना था पार वाली साइड को। यहाँ पे मैं पहुँच जाता ना एक बार तो मैं वहाँ से चले जाता। देखो ये हाल हो रखे है बारिश के कारण। तो ये है वो रोड जहाँ से हम आए थे अभी। अब हम इस रोड से होके जा रहे हैं। यहाँ पे स्पॉट थोड़ा ख़राब है, यहाँ के आगे तो ठीक है रास्ता, मैंने पता करा था। बट यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे पेड़ गिरा हुआ है। देखते हैं कहाँ पे पेड़ गिरा हुआ है। आउटलैंड स्लाइडिंग हो रखी है यहाँ पे। ये हाल हो रखे है रोड के, और मैं निकला हूँ ऑफ रोडिंग के लिए। ऐसे भयानक रोड पे ऑफ रोडिंग हो रही है। अब यहाँ के आगे क्या करूँगा मैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे आ तो जाएगी, इतना बड़ा ये पेड़ है नहीं, बट इसके आगे ऐसा ना हो या फिर दिक्कत हो जाएगी। पता चला मैं यहाँ से निकल गया और आगे फिर से रोड बंद है। तो पॉइंट एक यही ख़राब है।
अब देखते हैं यहाँ से आगे क्या क्या देखने को मिलता है। और अभी अभी बारिश हुई थी 2-3 दिन पहले, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हो रखे हैं। इस रोड के वैसे तो बहुत ठीक थे, मतलब गाड़ी गुड़ी चली जाती थी यहाँ से, अभी क्या बताएं, बारिश है भाई, बरसात है भाई, क्या बोल सकते हैं, बरसात में कुछ भी हो सकता है।